पूर्व सीएम शिवराज पहुंचे केरल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म स्थली कालड़ी केरल। आदि गुरु के दर्शन पूजन कर मंदिर में किया पौधारोपण। शिवराज सिंह चौहान का बयान, मैं एक सौभाग्यशाली हूं कि आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्मभूमि पर आया हूं। यहीं उनका जन्म हुआ था और यही सेवा गुरु की खोज में पदयात्रा करते हुए ओंकारेश्वर की तरफ निकले थे। ओंकारेश्वर में उनको गुरु मिले थे और वहीं से उन्होंने संन्यास लेकर भारत भ्रमण शुरू किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के कारण ही भारत सांस्कृतिक रूप से एक है। आदि गुरु ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है। ओंकारेश्वर में जहां आदि गुरु जी को गुरु मिले, वहां उनका भव्य स्टैचू ऑफ वननेस बन गया है। एकात्म धाम का निर्माण हो रहा है। यहीं से संदेश जाता है, संघर्ष नहीं, समन्वय घृणा नहीं, प्रेम शांति, सारे भेदभाव मिट जाएं। मैंने वह काम प्रारंभ किया था, लेकिन मोहन यादव की टीम उसे काम को आगे बढ़ाएगी और दुनिया को संदेश देगी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तु वासुदेव कुटुंबकम। सारा संसार एक परिवार है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जन्मभूमि में आया हूँ। यहीं उन्होंने जन्म लिया था और यहीं से वे गुरु की खोज में पदयात्रा करते हुए ओंकारेश्वर की ओर निकले थे। ओंकारेश्वर में उनको गुरु मिले थे और वहीं से संन्यास लेके उन्होंने भारत भ्रमण प्रारंभ किया था। आदि गुरु की कृपा, आज उनकी जन्मभूमि में आने का सौभाग्य मिला। आदि गुरु शंकराचार्य जी के कारण ही सांस्कृतिक रूप से आज भारत एक है। आदि गुरु ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, सारे भारत को जोड़ने का काम किया। आदि गुरु की कृपा ही है कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल और परंपराएं अक्षुण्ण हैं, बची हुई है। और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ओंकारेश्वर में, यहाँ उनका जन्म हुआ कालड़ी में, ओंकारेश्वर में उनको गुरु मिले, तो गुरु स्थान पर उनकी भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस बन गया है। लेकिन एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम मैं सब जग जानी। ये मूल मंत्र है कि हम सब एक हैं और जब एक ही चेतना के अंग हैं तो हम में भेदभाव कैसा। और यहीं से फिर संदेश जाता है, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, शांति, सारे भेदभाव मिट जाएं और हम सब मिलके एक रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और यही विचार है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसलिए ओंकारेश्वर में, जहाँ आदि गुरु को उनके गुरु मिले, गुरु भूमि, दीक्षा भूमि, वहाँ एकात्म धाम का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। मैंने वो काम प्रारंभ किया था, लेकिन श्री मोहन यादव जी की टीम उस काम को आगे बढ़ाएगी और दुनिया को संदेश देगी कि अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही एक परिवार है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। Yes, yes.